राम मंदिर के चारों तरफ इतनी कड़ी सुरक्षा रखी गई थी कि एक परिंदा भी सेवन लेयर के इस मजबूत सुरक्षा को तोड़कर मंदिर के अंदर चाहकर भी ना घुस सके। जब 22 जनवरी 2024 को भारत के लोगों का लगभग 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या के इस पवित्र स्थल पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी कि भगवान श्री राम के इस मूर्ति की पूजा करके मूर्ति में प्राण डाला जाता है। प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश के प्रमुख साधु संत भी मौजूद थे। इस समय इस आयोजन को सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग टीवी न्यूज़ों पर देख रहे थे। देश के सभी लोग इतने खुश नजर आ रहे थे कि चारों ओर से जय श्री राम का नारा गूंज रहा था। कई सारे सेलिब्रिटी राम मंदिर को देखने आते हैं, साथ ही मंदिर के अंदर गर्भगृह में विराजे भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था को रखते हैं। और दूसरी तरफ भारत सरकार ने अपनी ओर से पूरी इंतजाम करके रखी थी, इसकी सुरक्षा में चारों तरफ जवान तैनात रहते हैं। धरती से लेकर आसमान तक पूरी सुरक्षा रखी जाती है। कई सारे ड्रोन कैमरे, हजारों सीसीटीवी कैमरा, फेस रिकॉर्ड रखने वाले एआई कैमरे का इंतजाम किया गया था। यहां सेवन लेयर की सुरक्षा भी तैनात की गई थी, जिसमें पहले लेयर में एसपीजी के कमांडो, दूसरे लेयर में एनएसजी के जवान, तीसरे लेयर में आईपीएस अधिकारी और चौथे लेयर में सीआरपीएफ के जवान, साथ ही पांचवे लेयर में यूपी एटीएस के कमांडो तैनात थे। इसी तरह छठे लेयर में आईबी और अंत में यूपी पुलिस अपने पूरे जवान जवानों के साथ सुरक्षा में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात है, जब आम पब्लिक को इस दिन मंदिर आने से मना किया गया था जिससे भीड़ भाड़ में छोटी मोटी लड़ाई ना हो जाए, तो फिर इतनी कड़ी सुरक्षा किससे बचने के लिए की गई थी? क्या ये सारा इंतजाम आतंकवादियों से बचने के लिए की गई थी या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों से बचने के लिए? क्योंकि इस राम मंदिर को सबसे अधिक खतरा कुछ पॉलिटिकल पार्टियों से ही रही है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ राम मंदिर के जगह मस्जिद बननी चाहिए, तो कुछ ये भी कहते हैं यहाँ मंदिर या मस्जिद की जगह एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना देना चाहिए था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि राम मंदिर के बनने से भारत के इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही बताऊंगा इस वीडियो में राम मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर इस राम मंदिर के निर्माण से पूरे भारत को होने वाले फायदे की बात करें तो आप देखेंगे खासकर अयोध्या के इस भूमि पर कई प्रकार से यहां के इकोनॉमिक पर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और अनुमान लगाया जाता है कि यहां कुछ ही सालों में काफ़ी सारे अलग अलग बदलाव देखने को मिलेंगे। इस समय भी अयोध्या में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रही है। आज अयोध्या एक ऐसी टूरिस्ट प्लेस बन गई है जिसे हजारों लाखों सालों तक भूल नहीं पाएगी ये पूरी दुनिया, क्योंकि इस जगह पर भगवान श्री राम, जो कि सभी हिंदुओं और पूरे विश्व भर में लोगों के मन में बसे हैं, इसी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है अयोध्या के इस धरती पर। इस राम मंदिर के निर्माण में तकरीबन 500 साल लग गए और अब तक कई लोग मारे गए, तब जाके 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संभव हो पाई। फिर जो हुआ आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर यहाँ की बदलती स्थिति को। अब यहाँ सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए और प्रभु श्री राम लला के दर्शन भी करते हैं। इस मंदिर के बनने के कारण अब अयोध्या एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस भी बन गई है, जिस वजह से यहाँ के इकोनॉमिक पर काफी अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है। मंदिर के निर्माण को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दी, तभी से यहाँ के प्रॉपर्टी की मांग काफी बढ़ गई है और यहाँ की जमीन सोने की भाव यानी कि इसका रेट काफी बढ़ने लगा। खासकर यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं और ऐसा ही किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता था कि 2024 ये वो साल है जिसके आते ही अयोध्या में व्यापारियों की लॉटरी लगने वाली है। भारत के अलग अलग जगहों और विदेशों से आए हुए लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ के लोकल बिजनेसमैन भी काफी प्रभावित हुए। यहाँ जगह जगह पर नई नई प्रसाद, फूल और पूजा सामग्री के दुकान, साथ ही खिलौने जैसे कई सारे दुकान खुलने लगे। दोस्तों, जब आप कहीं दूर टूरिस्ट प्लेस पर घूमने गए होंगे तो एक दिन में वहाँ का खूबसूरत व्यू देखकर उसी दिन वापस घर आना थोड़ी मुश्किल सी लगती है, तो इसके लिए आप पहले से ही वहाँ के अच्छे होटल की बुकिंग किए हुए रहते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अयोध्या में भी बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट की आवश्यकता होगी ही। इसके लिए यहाँ कई सारे होटल्स और रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो चुकी है,
साथ ही कुछ नए होटल्स भी यहाँ बन रही है। इसके कंस्ट्रक्शन में ईंट पत्थर मोटे मोटे रड सीमेंट मार्बल और इलेक्ट्रिकल चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि बल्ब एसी फर्नीचर जैसे कई सारे ऐसे सामान है जिसकी जरूरत पड़ने वाली है और इस मटेरियल्स को बेचने वाले को भी काफी फायदे होंगे। साथ ही वहां काम कर रहे मजदूरों और इंजीनियर को भी रोजगार मिलेगी ही। होटल और रेस्टोरेंट बनने के बाद वहाँ के ओनर और वहाँ काम कर रहे सभी लोगों को भी जॉब मिलेगी ही, मतलब कि सबका अपना बेनिफिट होगा, देश का पैसा देश में ही रहेगा। राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इकोनॉमी पर काफ़ी अच्छी प्रभाव देखने को मिलेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो, जिसके पुनर्विकास में 240 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। यहाँ 3 मंजिल सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग बनाया गया। यहाँ पर लिफ्ट, एस्केलेटर और वेटिंग क्लॉक रूम और फूड प्लाजा जैसे सुविधाएं मौजूद है। अयोध्या से सटे जितने भी एरिया है वहाँ के सड़कों को मंदिर बनने से पहले इसके चौड़ीकरण का ध्यान रखा गया। अयोध्या में चलने वाले फ्लाइट की सुविधाएं बढ़ा दी गई है, अब दिन में 4 फ्लाइट चलती है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू कर दिया जिससे कि दूर दूर से आने वाले टूरिस्ट को आने में दिक्कत ना हो और वो अच्छे से भगवान राम के दर्शन कर सके। दोस्तों अब बात करते हैं मंदिर में लगे कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कि इसे अदर मंदिर या फिर बिल्डिंग से काफी अलग करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए खास तौर पर कंक्रीट, बालू, रड, सीमेंट और लोहा जैसे मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस मटेरियल्स में से कुछ ऐसे खास चीजें हैं जिसका उपयोग इस मंदिर को बनाने में नहीं किया गया। बताया गया इस मंदिर के निर्माण में सीमेंट या फिर लोहे का उपयोग नहीं किया गया। दोस्तों अब सवाल उठता है कि इस मंदिर को बनाने में जब सीमेंट और लोहा का उपयोग किया ही नहीं गया तो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें कैसे जोड़ी गई होगी, किस चीज से जुड़ा होगा ये दीवार और इसकी मजबूती कितने दिनों तक रहेगी। दोस्तों दरअसल बात ये थी कि रड और सीमेंट से बने बिल्डिंग की देखभाल अगर अच्छे तरीके से की जाए तो यही कुछ 100 से ज्यादा 120 साल तक इसकी मजबूती बनी रहेगी। तो इस राम मंदिर की मजबूती 100 या 200 सालों तक नहीं बल्कि कम से कम 1000 साल तक इसकी मजबूती बरकरार रहे और इसे 1000 साल के बाद ही रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़े। इस मंदिर को काफी मजबूत और भव्य बनाने के लिए राजस्थान का मशहूर मकराना पत्थर और इसके साथ कॉपर का उपयोग किया गया। बताया गया इस पत्थर और कॉपर से इसकी मजबूती कम से कम 1000 साल तक रहेगी। 1000 साल के बाद ही इसे रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। इस मंदिर के नीचे एक खास चीज रखी गई है जो कि एक कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर भगवान राम और इससे जुड़े बातों को रखा गया। राम मंदिर में इसकी प्राण प्रतिष्ठा और इसके उद्घाटन को भव्य बनाने के लिए 25,000 हवन कुंड 108 फीट लंबी और 3,500 किलोग्राम के अगरबत्ती को जलाया गया। मंदिर के अंदर 1 किलोग्राम सोना और 7 किलोग्राम चांदी को मिला करके भगवान श्री राम के चरण पादुका को बनाया गया। राम मंदिर के शिखर पर पीतल से बने लगभग 44 फीट ऊंची और 5,500 किलोग्राम के ध्वज को लगाया गया। साथ ही साथ मंदिर में लगभग 600 किलोग्राम के घंटा को लगाया गया जो काफी बड़ी दिखती है। बताया गया इस घंटे की ध्वनि इतनी तेज है कि अगर इसे कोई पूरे बल के साथ बजाए तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक इसकी आवाज गूंज सकती है। तो अब तक कौन कौन इस भव्य राम मंदिर के दर्शन करने जा चुके हैं, कैसी लगी इस राम मंदिर के दर्शन की यात्रा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब तक नहीं गए हो तो अयोध्या जाकर एक बार जरूर भगवान श्री राम का दर्शन करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।